रेडी तो बहुत है लेकिन इन ज्यादा स्वाद नहीं किसी का स्वाद नहीं। एक ये पुदीने का पानी रखा हुआ है मेरे सामने और अभी बर्फ की फिलिंग की जा रही है और साइड से एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये आपका मीठा पानी मिल जाता है और ये हींग पानी मिल जाता है और ये है आपका चौथा खट्टा पानी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एक नए फ्रेश वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आपका होस्ट भरत। तो गाइस, आज मैं आ रहा हूँ शास्त्री पार्क में। ये आपका नॉर्दर्न इंडिया कॉलेज पड़ जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो स्टॉल लगी हुई है, ये है गुजराती पानी पूरी करके। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं अपने वीडियो में। तो जानते हैं कि इनके ऑनर से बात करते हैं, कितनी पुरानी दुकान है ये और गोलगप्पे की वैरायटीज़ क्या क्या हैं। चलिए आइए ऑनर से बात करते हैं। तो अभी हमें काट के ऑनर से बात कर लेते हैं, जो हैं राजा भैया। कैसे भैया आप? ठीक है भाई। तो भैया कुछ बताइए अपनी शॉप के बारे में जो काट लगाते हैं आप। शॉप के बारे में बताना क्या है भाई, आप तो देख ही रहे हो, जो भी है ऊपर वाले की दुआ से बहुत बढ़िया चलती है। और दुकान कितनी पुरानी है? दुकान को हो गए 10 साल जी। अच्छा, और जो आपकी गोलगप्पे की स्पेशलिटी किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं ये मोस्टली, क्या है स्पेशल? हमारे स्पेशल इसलिए जाने जाते हैं जी, हमारा 4 तरीके का पानी होता है और पानी सबसे एक से एक हिट होते हैं। अच्छा, पानी कितने टाइप के बताए आपने? 4 तरीके का पानी है जी हमारे पास। 4 तरीके का पानी है, बताएंगे कौन कौन से पानी मिल जाते हैं? एक हींग का पानी है सर, मीठा पानी है, पुदीने का है, खट्टा है, 4 तरीके का है जी। तो भाई यहाँ पे 4 टाइप के आपको मिल जाएंगे गोलगप्पे के साथ जो पानी आता है। तो अभी देख सकते हैं, अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लग गई है। और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये शॉप सातों दिन खुलती है आपकी और टाइमिंग क्या रहती है यहाँ? टाइमिंग रहती है जी 1 बजे से 10 बजे तक। और हाँ, और कितने दिन ऑफ भी होता है आपका? नहीं नहीं, सातों दिन बराबर लगती है जी। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, देख लो आप कितनी भीड़ लगी है। तो यार अभी इसमें बर्फ़ डाली जा रही है, जो भैया बता रहे थे कि 4 तरह के मिल जाते हैं गोलगप्पे का पानी। तो इसमें देख लो, एक ये पुदीने का पानी रखा हुआ है मेरे सामने और अभी बर्फ़ की फिलिंग की जा रही है। और साइड से एक बार कवर दिखा देता हूँ आपको। ये आपका मीठा पानी मिल जाता है और ये हींग पानी मिल जाता है और ये है आपका चौथा खट्टा पानी। तो ये हींग का पानी और सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिलिंग करते हुए तो यार अभी मैं भी अपने लिए लगवा लेता हूँ 1 प्लेट। तो भैया 1 प्लेट मेरे लिए भी कर दो, ठीक है? तो अभी मैं भी 1 प्लेट खा लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि कैसा टेस्ट है। तो चलिए पहले खा लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ। और ये है हमारा हींग पानी। भाई हींग का पानी बहुत अच्छा हो रहा है, बढ़िया लग रहा है एकदम। अभी मीठा पानी ट्राई कर लेते हैं कैसा है इनका। तो अभी ये दूसरी वैरायटी है, मीठा पानी ट्राई कर लेते हैं कैसा है इनका। भाई कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, मैंने हींग का ट्राई कर लिया है और ये मीठा पानी बहुत सही लग रहा है। और यार मात्र 10 रुपये के 5 है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने और दुकानों पे खाए हैं मगर टेस्ट बहुत सही हो रहा है। ये कौन सा भैया? ये पुदीने वाला है। तो ये अभी ट्राई कर लेता हूँ, 3rd one, ये पुदीने वाला है। बढ़िया है, खट्टा वाला। 10 के कितने? 4? 5? 10 के 5।
अभी चार हुए ना। भाई चारों मैंने पानी पी लिया और मुझे सारे बहुत बड़े लगे हैं, और ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा, दिल से बोल रहा हूँ। 10 रुपये के चार कितने, 5 हैं और सारे एक से बढ़कर एक है टेस्ट का, तो सारे मेरे को बहुत बढ़िया लगे हैं। और मैंने आपको लोकेशन बता दी है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा यहाँ का, कि एड्रेस डाल दूँगा यहाँ पर। नॉर्दर्न इंडिया कॉलेज पास में पड़ता है और ये गुजराती पानी पूरी करके। आई होप यार आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे वीडियो में, स्वादिष्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो भाई यहाँ पे कस्टमर से जान लेता हूँ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। भाई 10 साल बता रहे हैं भैया जी, तो ये हमारे साथ में भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार। तो भैया मनोज भाई कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं भैया 4 साल से आ रहा हूँ। 4 साल से आए, तो कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, रेडी तो बहुत है लेकिन इन ज्यादा स्वाद नहीं है किसी का। स्वाद नहीं है जी। तो मतलब अभी ये इन्हें कितने, 4 साल हो गए आते हुए? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए भैया को, बहुत बढ़िया है एक्सपीरियंस। मैं आया हूं, मेरे बच्चे भी आएंगे अभी। अच्छा, अभी बच्चे भी आएंगे? हाँ भी, रामलीला देखने आएंगे, खा के आएंगे। तो भाई सामने ही रामलीला भी लग रही है, तो और यहाँ पे भैया घर की फैमिली भी आती है खाने के लिए, तो भैया का बहुत सही एक्सपीरियंस रहा। मेरा कितना भी काम हो जरूरी, लेकिन मैं खा के जाता हूँ। क्या बात कर रहे हैं जी।